हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, और उसी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ही जो कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, जिसमें से जो हमारी पहली थी कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड थी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड द थर्ड थी हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीनों हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब बात करें हम फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, मेनली हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो ये यहीं से कंसेप्ट निकल के आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो वो है, जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑस्मोसिस से पहले, जाने से पहले, तो इसी से एक देखो थोड़ी सी, जैसे ऑस्मोसिस हम लोग पढ़ते हैं, अभी पढ़े भी गए हम डिटेल में, एक और कंसेप्ट निकल के आता है विच इज डिफ्यूजन। एक टर्म होती है डिफ्यूजन, लगता है तो जैसे ये कैसे है ऑस्मोसिस के जैसा ही, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीजों का आपस में डिफ्यूज हो जाना, अच्छे से मिक्स हो जाना, डायरेक्टली आपस में कॉन्टेक्ट में आ जाना। तो इसको हम केमिकल फॉर्म में कैसे समझेंगे, केमिकली मान लीजिए आप लोगों के पास में एक बीकर है, ठीक है, तो ये हम जो मिक्सिंग देखते हैं वो एक कंसंट्रेटेड, यानी कि लेस कंसंट्रेटेड और मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बीच में देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास में एक कंटेनर है, उस कंटेनर में नीचे क्या है आपके पास में, KMnO4 सॉल्यूशन है। क्या है बच्चे, KMnO4 सॉल्यूशन है, तो ऑफकोर्स यहां इसके अंदर क्या है, KMnO4 है, तो ये क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने ऊपर इसके डाला हुआ है क्या, वॉटर, क्या डाला हुआ है बच्चे, वाटर, प्योर वाटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक सिर्फ सॉल्वेंट है और इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो दिस इज मोर कंसंट्रेटेड देन दिस। तो क्या होगा, जैसे ही हम इन दोनों को देखेंगे तो क्या होगा, शुरू में तो ये दोनों सेपरेटली मुझे दिखाई देंगे, क्योंकि ये ज्यादा गाढ़ा है, ये क्या है, कम गाढ़ा है, क्या होगा, सेपरेटली मुझे दिखाई देंगे। एक लेयर भी आपको दोनों के बीच में दिखाई दे सकती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन। लेकिन जैसे जैसे एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा, तो क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं और ये वो क्या होते रहेंगे, इसमें मिक्सअप होते शुरू, मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है ये KMnO4 का कलर जो होता है वो कैसा होता है, पर्पल, डार्क पर्पल कलर होता है, पानी आपका क्या होता है, कलरलेस होता है। तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे कि जो पूरा का पूरा, यानी ये जो पूरा का पूरा कंटेनर के अंदर आपका लिक्विड था वो कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। अब ये पर्पल ही क्यों हुआ, ये यहां से कलरलेस भी तो हो सकता था। तो यही चीज हमें क्या देखनी है, डिफ्यूजन में देखनी है कि इसने क्या किया, कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ चला गया और डायरेक्टली गया है। हालांकि ये लेयर मुझे दिखाई देती है, बट वो लेयर किसी पर्टिकुलर चीज की नहीं है, ये इन्हीं की लेयर है, कंसंट्रेटेड लेयर है, जो टाइम के साथ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं डिफ्यूजन को डिफाइन करूं तो कह सकती हूं द फिनोमिनोन ऑफ, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, spontaneous movement of particles of solute, ठीक है। अब ये सोल्यूट कौन से हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चे, सोल्यूशन के अंदर, है ना। ऊपर तो सिर्फ हमने क्या लिया है, वॉटर लिया है, एंड द पार्टिकल्स ऑफ द सोलवेंट, एंड द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट, कौन से पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट वही मान के चले थे, है ना, प्रेजेंट इन कॉन्टेक्ट, है ना, एक दूसरे के क्या है, प्रेजेंट कॉन्टेक्ट में है विद इट टू गिव अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चे क्लियर भी हो जाएगा कि आफ्टर सम टाइम आप जब चेक करोगे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते कि पहले इसमें क्या थे, दो डिफरेंट लेयर थे। तो इसी को क्या कहते हैं, इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड डिफ्यूजन में क्या क्या कुछ पॉइंट्स है जो ऑस्मोसिस को डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, तो हम ये कह सकते हैं, तो पहली बात आते हैं, चलो ऑस्मोसिस को हम बाद में कर लेंगे, डिफ्यूजन से रिलेटेड ही करते हैं। तो डिफ्यूजन किन किन में होता है, इट टेक प्लेस गैस, इन गैसेस एज वेल एज सोल्यूशन, सोल्यूशन में तो अभी हमने देखा ही,
ठीक है, गैसेस में भी होता है, एटमॉस्फेयर में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती है ना, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। दो गैसेस लिए आपने अगर मिक्स तो उनकी क्या हो जाती है, एक होमोजेनियस मिक्सचर ही है। अगर हम एटमॉस्फेयर की अब बात कर रहे हैं, हम जिस एटमॉस्फेयर में हैं, तो यहां भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है जो एक दूसरे के अंदर क्या हो रखे, डिफ्यूज हो रखे और एक होमोजेनियस मिक्सचर क्रिएट कर रखा है, तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो और क्या बता सकते हैं हम, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ये दिखाई भी दे रहे हैं हम लोगों को, है ना, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो KMnO4 के जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो इसमें डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि हाइयर कंसेंट्रेशन से किस तरफ जा रहा है, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह सकते हैं हम, सोल्यूट एज वेल एज सोलवेंट डायरेक्टली मूव इनटू ईच अदर। तो एक दूसरे में डायरेक्टली क्या हो रहा है बच्चे, मूव हो रहा है आपस में एक दूसरे। तो मैंने कहा था कि इनके बीच में कोई पर्टिकुलर किसी दूसरी और चीज की लेयर नहीं है, ठीक है, ये एक दूसरे के अंदर डायरेक्टली मूव कर रहे हैं। ठीक है, इट नेक्स्ट कह सकते हैं, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। क्या आप इस रिएक्शन को, यानी कि ये जो मिक्सचर बन रहा है, क्या आप इसको स्टॉप कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे? नहीं कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो पर्पल हो ही जाएगा। ना ही आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, ना ही आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये तो नहीं है ना आप इसमें से वाटर को बाहर निकाल लेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये था बच्चे डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के बीच में क्या होते हैं, पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के बीच में आपस में जाते हैं, डायरेक्ट उनके बीच में क्या होता है, कॉन्टेक्ट होता है, और ये रिएक्शन कैसी होती है, थोड़ी सी स्लो होती है, ये होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अब इसी के साथ में मैं बात करती हूं ऑस्मोसिस की। ठीक है, ऑस्मोसिस के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑस्मोसिस होता क्या है? तो बच्चे जो ऑस्मोसिस होता है ये एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। जैसे मैंने कहा ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है। किसका, मॉलिक्यूल का। यहां पर कौन से मॉलिक्यूल मूव करते हैं, प्योर सॉल्वेंट के टू दी सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। अगर मैं इसका देखा एग्जांपल, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूएंट जा रहा है सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन कम होती है, सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा। यानी कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ये मूव करते हैं तो ये डायरेक्टली एक दूसरे के अंदर मूव नहीं करते हैं, इनके बीच में एक लेयर होती है, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको आप कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होंगे वो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लोअर कंसेंट्रेशन से किस तरफ जाएंगे, हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएंगे, और इस फिनोमिनोन को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस है राइट, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन और क्या कह सकते हो, और फ्रॉम लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू ए मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना, कि आपके पास दो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए गए, एक सॉल्यूशन लेस कंसेंट्रेटेड है, एक सॉल्यूशन आपका क्या है, मोर कंसेंट्रेटेड है। तो कहां से कहां जाएगा, लेस कंसेंट्रेटेड से मोर कंसेंट्रेटेड की तरफ जाएगा, किसके थ्रू, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। ठीक है, इस कोल्ड, ये क्या कहलाता है हमारा, ओस्मोसिस। आई होप आपको जो है ऑस्मोसिस क्लियर हुआ होगा, जहां पर एक लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन एक मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन के पास जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मान लीजिए ऐसे कंटेनर है, यहां पर मैंने क्या लगा दी, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, इसको मैं SPM लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो मान लीजिए यहां पर आपका क्या है, सॉल्वेंट दिया हुआ है कोई भी,
ठीक है, यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यहां से जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इस तरफ जाएंगे। हालांकि और डिफ्यूजन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाई कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, सॉरी लो हाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जा रहे थे, और ऑस्मोसिस में इस चीज का रिवर्स है कि लो कंसंट्रेशन से कहां जा हाई से कहां जा रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फिनोमिनोन हम पढ़ रहे हैं किसका, ओस्मोसिस का, ये जो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट किया गया था एक्स के ऊपर, एक्स को एग्जाम्पल मान के एक्स के ऊपर ये चीज देखी गई थी। ठीक है, इसको सबसे पहले जो है बच्चे एग्जामिन किया था वो किया था एबे नॉलेट ने एग्जामिन किया था। उन्होंने क्या लिया था, एक एग लिया था। ठीक है, मान लीजिए इस साइज का कोई एग लिया था उन्होंने, उस एग को एक कंटेनर में दो कंटेनर डिफरेंट डिफरेंट मतलब दो एग लिए थे, उन दो एग को, तो मान लीजिए क्या है, ओरिजिनल साइज है किसका, ओरिजिनल साइज है किसका, एग का। ठीक है, तो उसको उसने क्या किया, दो एग लिए, उनको क्या किया, अलग अलग कंटेनर में रखे। तो एक कंटेनर के अंदर तो क्या था, सिंपल वाटर था। ठीक है, क्या था बच्चे, प्योर वाटर था। और जो दूसरा कंटेनर था उसके अंदर क्या था, NaCl सॉल्यूशन था। तो क्या ऑब्जर्व किया कि जब उसने एग को किसमें रखा, प्योर वाटर में रखा, तो ये जो एग था वो अपने ओरिजिनल साइज से क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि एक तरीके से स्वेल हो गया, फूल गया। ठीक है, और जो NaCl मतलब समझते हैं आप, नमक का पानी। ठीक है, तो और जो एग उन्होंने NaCl सॉल्यूशन में रखा था वो अपने ओरिजिनल साइज से क्या हो गया, छोटा हो गया, दैट मीन श्रिंक हो गया। तो इस केस में तो क्या नजर आई, स्वेलिंग नजर आई। ठीक है, और इस केस में क्या हो गया, ये श्रिंक हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये क्या थी, प्रोसेस ओस्मोसिस की ही थी। इसने कहा कि जब एग की जो आउटर लेयर होती है, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो जो आउटर लेयर को हटाया गया, ठीक है, तो आउटर लेयर को हटा के क्या किया गया, जब उस आउटर लेयर को हटा के पानी में रखा गया था, तो इसने कहा कि जो एग की जो आउटर लेयर है जो हटा दी गई, उसके बाद जो उसके अंदर वाली जो लेयर है उसकी बात चल रही है बच्चे, जो मेन जो छिलका ऊपर का छिलका हटा के और जो उसके ऊपर बाद में जो लेयर रहती है उसकी बात चल रही है, तो वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। ठीक है, तो जब उसको वाटर वाले केस में रखा गया, ठीक है, प्योर वाटर में, तो क्या हुआ कि अब पानी की क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है, अब देखो ऑस्मोसिस क्या कहता है, लेस कंसंट्रेशन से कहां जाएगा, मोर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एग के अंदर भी तो लिक्विड होता है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है। एग के अंदर जो एग की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है किससे, पानी से। तो यहां जो पानी का जो यानी कि जो सॉल्वेंट था वो कहां जा रहा है, एग के अंदर जा रहा है, तो पानी अंदर जाएगा तो स्वेल करेगा। लेकिन जब NaCl की बात हुई तो यहां पर इसकी सोल्यूट आपने एड किया तो इस लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इस वजह से क्या हो गई, यहां से जो पार्टिकल्स है इसका जो सॉल्वेंट था इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कहां मिक्स अप होने शुरू हो गए, इस पानी के अंदर मिक्स अप होना शुरू हो गया, यानी कि इसका जो लिक्विड था वो सॉल्वेंट जो था वो इस NaCl सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया। ठीक है, तो क्या कहा इसने, जो वाटर के अंदर था एग वो स्वेल हो गया, और जो आपका NaCl के अंदर था वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो यानी कि जो आउटर लेयर थी, ठीक है, बाहर की लेयर से अंदर वाली लेयर की बात कर रहा है ये, कि वो क्या काम कर रही थी, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही थी। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ है, एक तरीके से ऑस्मोसिस प्रोसेस ही हुई है इसमें। ठीक है, तो अब कहता है देखो, दो ऑस्मोसिस दो तरीके से हुआ, एक बार इस वाले पहले वाले केस में क्या हुआ, लिक्विड बाहर से अंदर की तरफ गया। ठीक है, तो और इसके अंदर क्या हुआ, जो है लिक्विड अंदर से बाहर की तरफ गया। तो जब लिक्विड क्या है, बाहर से अंदर की तरफ आता है, अंदर की तरफ आया तो हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। ठीक है, और अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। ठीक है, व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट थ्रू द मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। एंड व्हेन द मेम्ब्रेन अलाउस या और परमिट द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स अंडर इन टू दी या फिर इनसाइड दी किसके सॉल्यूशन, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, एंडोस्मोसिस। तो यहां से आई थिंक आपको ऑस्मोसिस क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब मैं बार बार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रही हूं, तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है, आई होप कि आपने थोड़ा बहुत
जो है सेमी ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो होती क्या है, ये क्या होती है, लेकिन क्या कह सकते हैं, ए इट इज ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है, परत होती है, विच अलाउज ओनली द सोलवेंट एंड नॉट द सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, ठीक है। तो ये इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहीं पे यहां पर तो वही चीज तो देखिए, सिर्फ सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना बच्चे, वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो कितने टाइप की होती है, तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो कहाँ कहाँ से मिल सकती है, वेजिटेबल से मिल सकती है, एनिमल से मिल सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये वेजिटेबल के अंदर मेम्ब्रेन होना, एनिमल के लिए मेम्ब्रेन होना, ये फर्दर अगर हम इनके बारे में बात करेंगे हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, तभी मतलब वो कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है हमारे लिए, तो उस हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो जो हमारी लाइफ प्रोसेस है उसको मेंटेन रखने के लिए, एग्जांपल प्लांट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट में भी ऑस्मोसिस होता है, तो इसके तभी तो वो क्या कर सकता है, सोइल से वाटर अपने बाकी पार्ट्स में पहुंचा देता, अगर वो चीज नहीं होती तो पानी नहीं पहुंचता। तो क्या होती है, वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल मेम्ब्रेन होती है। तो जैसे इसका सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल होता है वो होता है पिग्स ब्लैडर का, ठीक है, जो पिग्स का जो ब्लैडर होता है उसकी जो मेम्ब्रेन बनती है वो भी काफी यूज होती है। लेकिन ये क्या होती है, काफी एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होती, ठीक है, क्यों यूजफुल नहीं होती, क्योंकि इनका एक इम्परफेक्ट नेचर होता है, इम्परफेक्ट नेचर होते हैं, मतलब कि हमें चाहिए कुछ और होता है, तो हो सकता है कि 90% तक हमें वो रिजल्ट देता है, लेकिन 10% की श्योरिटी उसकी तब भी नहीं होती, तो इम्परफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद ये नहीं होते। अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, जो हमारी कहां पर बनाई जाती है, लेबोरेटरी में बनाई जाती है, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर की जाती है। इसके जो कुछ कॉमन एग्जाम्पल है वो है पार्चमेंट पेपर लगा लीजिए, पार्चमेंट पेपर आई थिंक सभी ने देखा होगा, आपके जो टी बैग्स होते हैं, है ना, टी बैग्स यानी कि जो डिप वाली चाय होती है ना, डिप करते जो जिस पैकेट के अंदर वो जो चाय होती है इसको आप डिप करते हैं, तो जो पैकेट होता है वो क्या होता है, आपका पार्चमेंट पेपर होता है, ठीक है। तो उसमें से क्या सॉल्यूट बाहर आता है, नहीं आता, सॉल्वेंट उसके अंदर चला जाता है, यानी कि जो आपका पानी होता है जिसमें आप डिप करते हो वो उसके अंदर चला जाता है, सिर्फ कलर क्या आता है, बाहर आता है। जो पैकेट होता है वो क्या होता है, एक पार्चमेंट पेपर होता है, सेलोफेन होता है, ठीक है, सिलिकेट्स होते हैं आयरन के, फ्रेशली प्रिपेयर्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपका कॉपर फेरोसाइनाइड आता है। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल हैं किसके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, जो आज के टाइम में हमारे बहुत जगह पर यूज होते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चे किसके बारे में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर को एक बहुत से सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है एक डोर है। अब यहां से कोई भी एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, इस डोर को पुश कर रहा है, तो ये जो डोर है वो क्या आ जाएगा, यहां से पुश होने के बाद ओपन होने की कोशिश करेगा, कहीं इस तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इतने ही मतलब जिस फोर्स से ये क्या कर रहा है, इसको इधर पुश कर रहा है, उतने ही फोर्स से ये वाले यहां पर भी एक पर्सन खड़ा है वो भी पुश करे, वो भी इस डोर को पुश करे इसी को, तो क्या ये डोर ओपन होगा, नहीं होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, राइट। तो क्या लग रहा है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है, ये कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कि जिस फोर्स से ये इस दरवाजे को डोर को पुश कर रहा है, ये यहां पर जो पर्सन है वो थोड़ा सा इससे ज्यादा, इससे ये पहले खुल रहा था, इसने पुश किया तो इक्वल क्या था, दोनों फोर्स लगा रहे थे, तो डोर क्या हो गया, एक जगह पे हो गया, यानी कि एक स्टेज आ गई जहां पे डोर ना तो खुल रहा है ना ही बंद हो रहा है। अब क्या हो गया, इस वाले पर्सन ने जो फोर्स लगाया वो पहले वाले से ज्यादा लगाया, तो जो डोर है वो इस तरफ ना खुल के किस तरफ खुलेगा, दूसरी तरफ खुलना शुरू हो जाएगा, यानी कि रिवर्स जाना शुरू हो जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस से समझने, इसको हम आप ऑस्मोसिस से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ऑस्मोसिस में आपका होता क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास में एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर आपके पास यहां पर ये क्या है, मान लीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है,
ये क्या है आपके पास में, SPM लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस तरफ आपके पास में क्या है बच्चे, सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है, और इस तरफ आपके पास में क्या है, सॉल्यूशन है। इस तरफ क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने क्या किया, ये टैंक हो गया और यहां पर ये इसका माउथ हो गया, यहां से मैंने एक पिस्टन लगा दी, जो सॉल्यूशन वाला जो पाइप था यहां पर मैंने क्या लगा दी, एक पिस्टन लगा दी, प्रेशर लगाना है ना, क्योंकि प्रेशर की बात तो कर ही रहे हैं ना, तो प्रेशर की प्रेशर को ही रिलेट करके चलेंगे, तो यहां पर मैंने क्या लगा दी, एक पिस्टन लगा दी। तो अब यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑस्मोसिस में आपने क्या पढ़ा, ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा कि जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरफ मूव करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मेरी ये रही, ठीक है। तो अब सॉल्वेंट के पार्टिकल बोल सकते हो या फिर लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हो, किस तरफ जा रहा है, मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो यहां से जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही इधर मूव कर रहे हैं तो इसने क्या किया, सॉल्यूशन के ऊपर यहां पर जो पिस्टन लगाई हुई थी, इस पिस्टन से प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। समझ में आ रही है बात, क्या करना शुरू कर दिया, पिस्टन से प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या है, सॉल्यूशन है, समझ रहे हैं इस बात को, यहां पर क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट भी होते हैं आपके, क्या होते हैं, सॉल्यूट भी होते हैं और सॉल्वेंट भी होता है, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में आप पढ़ चुके, सॉल्वेंट को पास आउट करता है, तो इसके पास भी तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करेंगे, जब हम इधर से पुश कर रहे होंगे, जैसे इधर इसने इसको पुश किया तो इसको स्टॉप कर रहा है, ऐसे ही जैसे इधर से हमने प्रेशर लगाना शुरू किया तो इन पार्टिकल्स को स्टॉप करना स्टॉप करेगा। तो ये इधर से पुश कर रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से पुश कर रहा है, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, ना तो यहां के पार्टिकल्स इधर जा पा रहे हैं, ना ही यहां के पार्टिकल्स इधर जा पा रहे हैं, यानी कि ना तो ये दरवाजा इधर ओपन हो रहा है ना, क्योंकि इक्वल फोर्स हो गया, ठीक है, सेमी परमिएबल की वजह से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, लेकिन हमने बाहर से एक और प्रेशर एक्सर्ट कर दिया जो इसके क्या है, एग्जिस्टेंस को अंदर आने से रोक रहा है। तो क्या हो गया, ना तो यहां के पार्टिकल इधर जा पा रहे हैं, ना ही यहां से पार्टिकल इधर जा पा रहे हैं, तो एक ऐसी स्टेज आ गई जहां पर पार्टिकल का जो मूवमेंट था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। तो जहां पर पार्टिकल का जो मूवमेंट था, पार्टिकल मूवमेंट क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो ऐसी जो स्टेज कहलाती है उसको क्या कहलाते हैं हम, इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या आ गई बच्चे, इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई, ठीक है। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेज में एक मूवमेंट रुक गया, अब यानी किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे आकर ही तो इक्विलिब्रियम स्टेज आई, अगर आप प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करते तो पार्टिकल क्या होते, बस सॉल्वेंट के यहां से पार्टिकल सिर्फ और सॉल्यूशन में आते रहते। आपने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया, उस प्रेशर के एक्सर्ट होने की वजह से ये जो है इक्विलिब्रियम की स्टेज अपीयर हुई, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर इक्विलिब्रियम आपको मिला, अब आपने क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर और लगाया, थोड़ा सा प्रेशर और लगाया, यानी कि जब डोर ना तो इधर हो पा रहा ना यहां हो पा रहा, मैंने क्या कहा, इसने इससे ज्यादा प्रेशर लगाया तो डोर किस तरफ खुलेगा, इस तरफ उल्टा खुलेगा। तो इसने क्या कहा कि यहां से कुछ प्रेशर और लगाया तो यहां के पार्टिकल कहां शुरू होना शुरू, कहां जाना शुरू हो गए, इस तरफ जाना शुरू हो गए, उल्टे जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए, जब आपने क्या किया, यहां से जो ऑस्मोसिस हो रहा था उसको प्रेशराइज करके इक्विलिब्रियम स्टेज आपने आपको मिले, तो वो जो प्रेशर आपने लगाया इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए, वो प्रेशर क्या कहलाता है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, जब आपने इसको इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट किया बाहर से, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अगर आपने उस इक्विलिब्रियम स्टेज को अपीयर होने के बाद में फिर से अगर प्रेशर लगाया तो ये जो प्रोसेस होगी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि अब यहां के पार्टिकल तो इक्विलिब्रियम की वजह से नहीं आ रहे लेकिन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल थे सॉल्वेंट के वो इधर जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर लगा रहे हो ना, पुश कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हो तो ये भी ऑस्मोसिस रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल जा रहे हैं, लेकिन कैसा होना, क्या चाहिए था, लेस कंसेंट्रेटेड से हाई कंसेंट्रेटेड पर, अब क्या हो रहा है, रिवर्स। तो ये क्या कहलाता है आपका, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करूं तो ये क्या होता है, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर विच मस्ट अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन टू जस्ट प्रिवेंट द
पेनिट्रेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर, यानी कि वो मिनिमम एक्सेस प्रेशर, वो कम से कम जो प्रेशर है आपने लगाया, जो क्या कर रहा है सॉल्यूशन को प्रिवेंट कर रहा है पेनिट्रेट, यानी कि वो ओवर द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के ऊपर लगाया जा रहा है टू जस्ट प्रिवेंट द पेनिट्रेशन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। किसका पेनिट्रेट मतलब आर पार जाना, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट जो पेनिट्रेट करके इधर जा रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और मैंने कहा कि जैसे ही सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो है वो इधर जाने से प्रिवेंट हो जाए, मतलब स्टॉप हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो जाए, उसके बाद भी अगर आप प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, यहां से सॉल्वेंट इस यहां सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो इस सॉल्वेंट में जाना शुरू हो जाएंगे एंड दैट स्टेज विल बी नोन एज रिवर्स ओस्मोसिस। तो रिवर्स ओस्मोसिस, वैसे आपको समझ तो आ गया होगा, है ना। इफ प्रेशर मोर देन द ओस्मोटिक प्रेशर, राइट, इफ प्रेशर मोर देन द ओस्मोटिक प्रेशर इज applied on the solution the solvent will start कहां जाएंगे flowing from the solution, यानी कि जो solution के जो solvent molecules है from the solution into the pure solvent, solution के solvent particle कहां जा रहे हैं आपके pure solvent में जा रहे हैं, किसके through semi permeable membrane, ठीक है, and this process is known as रिवर्स ओस्मोसिस। क्योंकि ओस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में मॉलिक्यूल जाना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिवर्स ओस्मोसिस। अगर इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखी जाए तो जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है वो आती है इसकी डीसेलिनेशन ऑफ सी वॉटर। देखिये क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है, सी का जो वाटर होता है, उसमें से नमक को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट NaCl, है ना, क्योंकि देखो NaCl है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें, तो यानी कि उसका जो पानी होता है काफी कंसेंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो अगर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा भी दूं, तो अगर आपने मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहां पर अगर आपने क्या किया, कोई सॉल्वेंट ले लिया, क्या ले लिया बच्चे, सॉल्वेंट ले लिया, यानी कि प्योर वाटर ले लिया, और यहां पर आपने क्या ले लिया, सी वाटर ले लिया, तो क्या होगा, तो ये तो लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन पे जाएगा ना ओस्मोसिस के थ्रू, पानी तो यहां जाएगा, लेकिन मुझे तो नमक को अलग करना है, यानी कि मुझे क्या चाहिए, इस सी वाटर में से बाकी के पार्टिकल्स अलग रह जाए, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल अलग रह जाए, सॉल्यूट को तो वैसे ही सेमी परमिएबल रहने नहीं देता, लेकिन कहां से कहां मूव हो, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव हो, है ना। तो इसके लिए क्या कराना पड़ेगा, इधर प्रेशर एग्जर्ट कराना पड़ेगा, तो ये यहां पर कौन सी प्रोसेस आपकी काम आती है, रिवर्स ओस्मोसिस काम आती है। अब कहता है अगर यहां जो आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं, ये से अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस चीज की हो, सेल्यूलोज एसिटेट की हो, ठीक है, क्या हो, सेल्यूलोज एसिटेट की हो, जिसका जो क्या होता है टॉलरेंट पावर काफी स्ट्रांग होता है, तो वो कहां यूज की जाती है, तो यहां पर क्या है, ये काफी टाइम तक इम्प्योरिटीज को स्टॉप कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही मूव होने देता है, ठीक है, और जितने भी आपके आयंस हैं, अदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो किसके अंदर आपके ऐड हैं, सॉल्यूशन के अंदर ऐड है, वो क्या हो जाएगा आपका, किसका रह जाएगा,
बाहर रह जाएगा सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के, और क्या मिलेगा आपको, प्योर वाटर मिलेगा जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा आयन वगैरह है वो नहीं है। तो ये इस तरीके यहां से जो आपको जो वाटर मिलता है वो किस लिए यूज किया जाता है, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ठीक है, तो ये किसके बारे में था, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में था। अब अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को आगे बढ़ाती हूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कुछ लॉज है, ठीक है, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत सिंपल से लॉज है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इसके ऊपर नहीं लगी है। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहला जो लॉ आता है वो आता है वान्टोफ दो साइंटिस्ट है, वान्टोफ और बोयसला। बोयसला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हम रिएक्शन देखते हैं, है ना। तो आपने जो बोयसला पढ़ा था वो आइडियल गैसेस के केस में पढ़ा था, यहां पर गैसेस के जगह पे क्या आ जाएंगे, हमारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर गैसेस के केस में हम जो प्रेशर है, तो हमारी एक आइडियल गैस क्या होती थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो वहां पर हम प्रेशर को पी से एग्जर्ट शो करते थे। तो ये क्या है, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो है हम प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वान्टोफ बोयसला ने कहा कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेल्यूट, किसका, डेल्यूट सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कि कहता है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखो टेम्परेचर क्या लिया हमने, कांस्टेंट लिया, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जिसको मैंने पाई से रिप्रेजेंट किया है, तो किस पर डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है कितना ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ऐसे ही यहां पर एक और लो आता है मेरा, वो आता है वान्टोफ चार्ल्स लो। अब वान्टोफ चार्ल्स लो क्या कहता है, चार्ल्स लो भी आपने पढ़ा था आइडियल गैसेस के केस में, बट हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, फिर से कहूंगी मैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो वान्टोफ ने क्या किया था, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, वॉल्यूम की बात नहीं की थी इसने, है ना, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट था, सोल्यूशन ऑफ अ फिक्स कंपोजिशन, वॉल्यूम फिक्स हो गया, ऑफ अ फिक्स्ड कंपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां से उसने वहां चार्ल्स लॉ में कहा था पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यहां पे हम पी को क्या लिख रहे हैं, पाई, सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इक्वेशन नंबर वन इसको बोलेंगे, इसको मैं क्या कहूंगी, इक्वेशन नंबर टू। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से हमें क्या मिला, देखिए इक्वेशन नंबर वन कह रही थी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, सेकंड कह रही थी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहां से मैं क्या कह सकती हूं, यहां से मैं कह सकती हूं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, और यहां से जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाती हूं तो ये क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू आर सी टी। आप यही तो पढ़ते थे, आप लोगों ने यही तो पढ़ा है, पी इज इक्वल टू एन सी टी, है ना, पी इज इक्वल टू एनआरटी था, तो यहां पर आपका ये क्या था, पहले आर क्या था, गैस कॉन्स्टेंट था, तो यहां पर जो आपका आर होगा वो क्या होगा बच्चे, सोल्यूशन कॉन्स्टेंट होगा, क्या होगा, सोल्यूशन कॉन्स्टेंट होगा। तो यहां सी जो है, सी क्या है, कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन किसकी इक्वल होता है, एन अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वी, तो सी की जगह एन अपॉन वी रख सकती हूं, तो पी क्या आ जाएगा यहां पर, एन वी आर और टी, तो वॉल्यूम उधर चला जाएगा, तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये क्या है, काफी ज्यादा सिमिलर है किससे, आइडियल गैसेस से, तो उसमें क्या था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये क्या है आपका पाईवी इज इक्वल टू एनआरटी। जो आपका वांट ऑफ इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन कहलाती है आपकी वो क्या कहलाती है बच्चे, वांट ऑफ इक्वेशन।
ठीक है, वांट ऑफ इक्वेशन कहलाती है, जो काफी सिमिलर होती है आइडियल आइडियल गैसेस से, यानी कि एक तरीके का आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन हमने बात की हुई है, कैसे सॉल्यूशन होते हैं आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही क्या होगा एप्लीकेबल होगा। अब इसी में आता है ओस्मोटिक। अब हम बात क्या कर रहे थे, ओस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे थे, और कहा था कि जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना। तो अब यही प्रूव करना है कि जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, एक आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कैसे बताएंगे, यहीं से एग्जाम्पल लेके यहीं से इक्वेशन से लेके चलते हैं। पाई इज इक्वल टू एनआरटी है, तो मैं यहां से कह सकती हूँ पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के। तो क्या यहां पर सोल्यूशन का जिक्र हुआ, सॉरी सोल्यूट के नेचर का जिक्र हुआ, नहीं। तो कह सकते हैं कि जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वो डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे कर रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ सोल्यूट पे। सो क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम क्या निकालें इसका, मॉलिक्यूलर मास निकालें, किसका, सोल्यूट का। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास है ना, तो मॉलिक्यूलर मास का क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या कह सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एनआरटी। तो एन क्या है आपके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होते हैं आपके एन क्या किसके इक्वल होता है, W2 अपॉन में M2। जस्ट बस वही पुट करना है हमें, क्या आ जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2 RT। M2 उधर चला जाएगा, पाई वी इधर आ जाएगा, सो M2 विल बी इक्वल टू W2 RT अपॉन में पाई वी। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सोल्यूट का। ठीक है, तो मेनली जो मेथड यूज किया जाता है वो क्यों कहां यूज किया जाता है, टू डिटरमाइन, दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास तो निकाल ही रहे हैं ऑफकोर्स, ऑफ प्रोटीन, जो हमारे प्रोटीन होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, और जो आपके जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास को निकालने में क्या होता है, ये काफी हेल्पफुल होते हैं। इसकी एक एडवांटेज भी है, एडवांटेज सबसे अगर मतलब ज्यादा एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो क्या है इसकी, कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन किया जाता है, क्या कह रही हूं मैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिटरमाइन, यानी कि आप प्रेशर डिटरमाइन कर रहे हैं ना, क्या कहां किया जाता है, एट रूम टेम्परेचर पे, कहां पे, रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर पे डिटरमाइन करने से क्या एडवांटेज मिली, कि क्योंकि जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है ना, या फिर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करती हूँ, ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं। तो यहां बायोमोलिक्यूल्स के केस में हम यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हाई टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ना होके हाई टेम्परेचर पे डिटरमाइन करें, तो वहां ये बायोमोलिक्यूल्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। तो क्या कह सकते हैं, बायोमोलिक्यूल के लिए क्या होता है, ये काफी यूजफुल होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम यूज करते हैं, यूज करता है मोलैरिटीज को, नॉट मोलैरिटी। अगर आपको बाकी की क्या याद हो, मोलैरिटी आपको बाकी की अगर प्रॉपर्टीज याद है, जिसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो आप हर केस में क्या पढ़ रहे थे, जैसे डेल्टा टीएफ क्या आ रहा था आपका, केएफ इनटू एम, तो मोलैरिटी की टर्म्स पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर आप क्या पढ़ रहे हैं, मोलैरिटीज पढ़ रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक एडवांटेज है, क्योंकि मोलैरिटी को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ सोल्यूशन की। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर कुछ टाइप के हम सोल्यूशन पढ़ते हैं, जिसमें आपका एक आता है लाइक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक आता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक आता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसको हम आइसोमोटिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, आइसोमोटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या कहता है कि सॉल्यूशन मतलब दो सॉल्यूशन है, ठीक है, उनकी जो कंसंट्रेशन है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या रहे, सेम रहे हर टेम्परेचर पे। सॉल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर आर नोन एज आइसोटो, यानी कि दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर वन और सॉल्यूशन नंबर टू। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, अगर उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही है, यानी कि सेम टेम्परेचर पे किसी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हाइपरटोनिक या और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक आपका क्या है सॉल्यूशन, ये है, दूसरा ये है, आप किसके लिए डिटरमाइन कर रहे हैं, इसका, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस, तो ये वाला जो सॉल्यूशन कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका बहुत बहुत एक अच्छा एग्जांपल है, कहता है एक प्योर NaCl का, एक जो NaCl जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिस अगर उसकी अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं कितनी, 0.9%, ठीक है, 0.9% कोल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो क्या कहना चाह रहा है, आपकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ऑस्मोसिस पड़ रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होती रहती है, तो आप क्या कर रहे हैं, नमक ले रहे हैं, NaCl ले रहे हैं, कितना, 0.9% से ज्यादा, ठीक है, 0.9% से ज्यादा, तो दो कंसंट्रेशन के क्या आ गई, चीजें आ गई, तो दोनों का जो आपकी बॉडी में गई, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन आपकी बॉडी में गए, तो इसका जो क्या हो जाएगा, जो आपने NaCl लिया है ज्यादा, उससे क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो आपने क्या किए बच्चे, जो आपकी बॉडी का था उससे, ठीक है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इससे अफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इस केस में जो आपकी आरबीसी है वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएगी। देखो आपकी जो नर्व्स होते हैं, जो हमारे नसें होते हैं, इसमें क्या होता है, ब्लड होता है, तो ब्लड है क्या आपका सॉल्वेंट है, अब सॉल्वेंट है तो अब ये जो आपकी जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। आपने NaCl सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये क्या है आपकी ब्लड वेसल है, मान लीजिए ये क्या आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, आपने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, NaCl सॉल्यूशन लिया, ठीक है, अच्छा, ये जो वेसल है बाहर, जिसकी आउटर लेयर होती है, वो क्या, जिसके अंदर आपका ब्लड फ्लो करता है, वो क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहे हैं। बाहर NaCl का सॉल्यूशन कितनी कंसंट्रेशन से ज्यादा ले लिया आपने, 0.9% से, तो ब्लड वेसल में से का जो सॉल्वेंट है, यानी कि पानी जो होगा उसका, वाटर के अंदर ही तो मिक्स होता है आपका हीमोग्लोबिन, तो जो वहां से जो सॉल्वेंट होगा वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, कहां से मिक्स हो जाएगा, आपने एग वाले केस में भी तो देखा था, क्योंकि NaCl क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड, तो आपकी जो ये जो नर्व्स होती हैं, आरबीसी सेल्स होती हैं, वो क्या हो जाएंगे बच्चे, श्रिंक हो जाएंगे। यहां पे मैं आरबीसी सेल्स की बात कर रही हूं, ये थोड़ा समझाने के लिए एग्जांपल है, तो ये जो आपकी जो जितनी भी रेड ब्लड सेल्स हैं आपकी, ये क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगे, तो आपको प्लाज्मोलिसिस के थ्रू की वजह से होता है ये, तो आप कॉन्सिक्वेंसेस हम सभी को पता है क्या हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये था हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये क्या अगला आता आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या वो कहता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो NaCl की जो कंसंट्रेशन है वो किससे लो चली जाए, 0.9% से क्या चली जाए, लो चली जाए, तो इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं, कम चली गई तो क्या होगा, अब बाहर से जो सॉल्वेंट है, अब ज्यादा कंसंट्रेटेड क्या हो गया, ये हो गया, तो बाहर से आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जैसे पानी, हाँ, एग के अंदर चला गया था, तो यहां से इसके अंदर चला जाएगा, जिससे जो आपके आरबीसी सेल्स है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, स्वेल होना शुरू हो जाएंगी, है ना, स्वेल होनी शुरू हो जाएगी, स्वेल भी हो सकती है, यानी फूल भी सकती है, और कई बार बस्ट भी हो जाती है, फट भी जाती है, तो इस वजह से क्या होता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो NaCl है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए।
ठीक है, तो एक एप्लीकेशन और आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। देखो हम कई बार डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर हमें सिरिंज लगाते हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं कोई पर्टिकुलर बीमारी है, डॉक्टर सिरिंज लगाते हैं अगर हमारी वो नर्व्स में लग रहा है तो। ये नहीं है ना कि कोई भी दवाई ला के लगा देते हैं, वो हमारे प्रॉपर चेकअप होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सेल्स नर्व्स होती है उनमें सिरिंज लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सिरिंज होती है उसका सॉल्यूशन की भी तो कोई कंसेंट्रेशन होती है और हमारे आरबीसी की भी इनकी भी कंसेंट्रेशन है, तो वो जो दोनों की जो कंसेंट्रेशन है वो सेम होनी चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, वरना दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी जो मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है। तो जो सीरिंज है और आपके जो ब्लड है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, यानी कि वो क्या होने चाहिए, आपस में एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। इसके अलावा कोई कई बार पूछते हैं कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है आपके ऑस्मोसिस की, तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे प्लांट होते हैं वो वाटर उनको मिलता है कहां से मिलता है, थ्रू दी सॉइल। वो क्या होता है ऑस्मोसिस, क्योंकि प्लांट के अंदर भी क्या होती है उनकी अपनी एक लेयर होती है जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं थ्रू दी ऑस्मोसिस पानी जो है वो पूरे प्लांट में पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन आप क्या कह सकते हैं कि मूवमेंट होती है वाटर की, हमारी बॉडी में भी तो ऐसा ही होता है कि पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या पहुंच जाता है, वाटर पहुंच जाता है और लाइफ प्रोसेस के लिए हमारे हेल्पफुल होती है, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, इसके लिए भी क्या होता है ऑस्मोसिस हेल्पफुल होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, हमारे इंटरस्टिशियल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, है ना, जो हम खाते हैं न्यूट्रिशंस हैं हमारे इंटरस्टिशियल वॉल से कहां चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, क्योंकि हर बॉडी पार्ट तक वो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए। तो किसके थ्रू जाता है, किसके थ्रू जाएगा, वो जो ऑस्मोसिस के थ्रू ही निकलेगा, है ना, वहां से जाएगा। और भी कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है हमारी बॉडी में से, ठीक है, कहां से होता हुआ, किडनी सेल से होता हुआ थ्रू द यूरिन निकल जाता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी प्रोसेस होती है क्या होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही होती है। तो बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर इसके न्यूमेरिकल की बात की जाए तो बस सिंपल आपके पीवीएस इक्वल टू एनआरटी पर बेस्ड आपका क्या बनता है, न्यूमेरिकल बनता है। ज्यादा से ज्यादा आपका किस पे बनता है, मॉलिकुलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच।